इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली फॉर यू चैनल। मैं हूं भारत पटेल, आपका टेक्निकल एडवाइजर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं लिनोवो K8 नोट का अनबॉक्सिंग। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ है मेरे पास लिनोवो K8 नोट। तो दोस्तों, जो मेरे पास मोबाइल है उसमें है 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, जिसकी कॉस्ट है 14,000 रुपये। अगर दोस्तों आप 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन लेना चाहते हैं तो भी वो आप जो है 13,000 में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस मोबाइल में यूज़ किया गया है हेलियो का डेका कोर प्रोसेसर। दोस्तों, मैं डेका का मतलब बता दूं 10, ठीक है। इसके पहले ऑक्टा था, वो 8 था, और इसके पहले भी कोर था जिसका मतलब है 4, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, हेलियो जो कंपनी है इसका मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 कैमरे, जिसमें है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, यहाँ पर 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो है वो फोकस में काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आपको 4000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी, ठीक है, वो भी रैपिड चार्जिंग के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैटरी 1% से लेके 100% तक चार्ज की है और उसमें मुझे 1 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगा है। दोस्तों, इसमें गोरिल्ला ग्लास है, प्लस डोल्बी का आपको साउंड इफेक्ट इसमें मिलेगा। इसकी जो स्क्रीन है 5.5 इंच है, जो कि फुल्ली HD है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है कि जो भी दोस्तों म्यूज़िक लवर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है डॉल्बी में काफ़ी अच्छा साउंड इफेक्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, इसे मैं ओपन करने जा रहा हूं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो है स्क्रीन गार्ड दिया है, जहाँ पर जो है इसके मेन स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मोबाइल में स्क्रीन गार्ड दिया है, जहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस बताए हुए हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है। दोस्तों, मोबाइल काफ़ी स्लिम है, न ज़्यादा भारी है, न ज़्यादा हल्का है। पीछे 2 कैमरे दिए हुए हैं और यहाँ पर अब मैं इसका जो स्क्रीन गार्ड है उसे जो है हटाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल जो है ऑन कर लिया है। नीचे की तरफ एक माइक्रोफोन है और दूसरा जो है स्पीकर है। यहाँ पर बीच में चार्जर दिया हुआ है, वॉल्यूम अप डाउन बटन, होम बटन दोस्तों, और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक ऑडियो बटन दिया गया है, जिससे कि आप डायरेक्टली जो है कोई भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 कैमरे के साथ में एक फ्लैश लाइट दी हुई है, साथ ही साथ नीचे एक फिंगर प्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्मूथली और अच्छा काम करता है। और दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि अब ये मेरा मोबाइल ऑन करने के बाद में कैसा दिखता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ, इस मोबाइल में है एंड्रॉयड नोगट 7.1 वर्जन। इसका टच पैड काफ़ी स्मूथ है। कैमरे का रिज़ल्ट जो है दोस्तों एवरेज है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि जब आप इसे जूम करेंगे तो इसके जो पिक्सल हैं फटते नहीं हैं, मतलब आप लंबी दूरी तक का जो है वीडियो अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, ये जो फ़ोन है लिनोवो K8 नोट, वो प्राइस के हिसाब से अच्छा है। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला अनबॉक्सिंग लिनोवो K8 नोट का। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है या फिर नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपके कोई सुझाव है तो भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं इसी तरह से नए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।